हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है विशाल तिवारी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना थर्ड लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। सेकेंड लेक्चर यानी इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू आ डाइपोल कितना होता है किसी भी पॉइंट पे। फिर एक्सियल लाइन पे देखा था, इक्विटोरियल लाइन पे देखा था, किसी भी सर्कुलर लूप के सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है, उसकी एक्सिस पे पोटेंशियल कितना होता है, इन सारी चीजों की हमने बात करी थी। सो अगर आपने वो वीडियो पहले नहीं देखा तो आप उसको जाके देख लो, फिर उसको कंटिन्यू करो। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर मतलब खोखला है और इसके सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो यहां पर हमको निकालना, ये भी याद रखना, ये कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। आप कहीं पर भी जाओगे आपको चार्ज मिलेगा। सो ये है हमारा हॉलो स्फीयर जिसपे क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। हमको यहां पर बाहर भी निकालना है कि अगर कोई पॉइंट बाहर है तो पोटेंशियल कितना होगा, और इस हॉलो स्फीयर के अंदर, ठीक है, इनसाइड अगर कोई पॉइंट है तो वहां पर पोटेंशियल कितना होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड द स्फीयर, सो देखो आप, इस स्फीयर का जो रेडियस है मैंने मान लिया है कैपिटल आर। कोई पॉइंट पी अगर आउटसाइड है और ये वाला जो सेपरेशन है अगर ये है स्मॉल आर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से। इस केस में पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल को जब मैंने डिफाइन किया था तो मैंने बोला था प्लस वन कूलाम के चार्ज को आप इंफिनिटी से लाके किसी पॉइंट पे रखते हो, तो लाके रखने में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट, उसके अगेंस्ट लाके रखने में जो आपका वर्क डन हुआ है वही क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। अब इसका मतलब यही कि हमें वही वर्क डन निकालना है। इसको हम चाहे तो डिराइव करें, चाहे तो एक सिंपल से मेथड को अप्लाई करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो सिंपल सा मेथड क्या है, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को गॉस एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में जब देखा था कि एक हॉलो स्फीयर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितनी होगी, तो वहां पर हमें मिला था कि आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही होगी जितना कि पूरे का पूरा चार्ज कहां रखा हो, सेंटर पे रखा हो। भूल गए होंगे आप, तो आप याद रखना कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी निकल के आई थी वो इतनी निकल के आई थी 1/4πε0Q/r², ठीक है। फिर मैंने बोला था कि अगर सारे का सारा चार्ज सेंटर पे रखा हो, पूरा चार्ज हमने सेंटर पे रख दिया, तो भी आर मीटर के सेपरेशन पे ये पॉइंट पी है, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती, इतनी ही होती, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर कोई पॉइंट पी बाहर है, स्फीयर के बाहर है, फिर चाहे वो हॉलो होता चाहे सॉलिड होता, अगर पॉइंट पी स्फीयर के बाहर है तो उस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहता, जितना कि पूरे का पूरा चार्ज सेंटर पे रखा होता तब होता, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है। अब देखते हैं, जब सेंट यहां पर चार्ज रखा था क्यू और हम लोग किसी प्लस वन कूलाम के चार्ज को लाके यहां पर रखते थे, तो इस केस में हमें इसका पोटेंशियल तो मिल गया था कितना, 1/4πε0Q/r। ये चीज हमने निकाल लिया था लेक्चर नंबर फर्स्ट में ही हमने निकाला था आई थिंक, ठीक है, कि अगर पॉइंट चार्ज यहां पर रखा है आर मीटर के सेपरेशन पे, कोई पॉइंट पी है तो वहां पर पोटेंशियल कितना होता है, 1/4πε0Q/r। हमें निकालना है इस पॉइंट पे। तो अगेन आप देखो हम लोग कर क्या रहे हैं, यहां पर जब इसका पोटेंशियल निकालना हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी, ठीक है, हम लोग प्लस वन कूलाम के चार्ज को ऐसे खींच के लाके यहां पर रख रहे थे, हमारा वर्क डन हुआ था इतना और यही हो गया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हम लोग यहां पर भी इंफिनिटी से ऐसे खींच के लाए प्लस वन कूलाम के चार्ज को, तो यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आउटसाइड है, वो कितनी है, जितनी की यहां थी। आप समझ रहे हो ना, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर थी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है, तो हमको लाने में भी उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा जितना कि हमने यहां किया था। यानी इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा पी पॉइंट का, ये होगा सेम एज पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी कि 1/4πε0Q/r। अगर आपको डिराइव करना है तो जैसा हमने पॉइंट चार्ज के केस में डिराइव किया था आप एग्जैक्टली वही चीज लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही है,
बट एक चीज याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है आउटसाइड द स्फीयर, ये चीज सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड के लिए अप्लाई होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पॉइंट यहां पर है, आप यहां का भी पोटेंशियल लिख दो 1/4πε0Q/r1, ये चीज नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती है जैसा कि पूरे का पूरा चार्ज सेंटर पे रखा हो। अब बात करते हैं इनसाइड की। चलो पहले आउटसाइड जब हमने बना लिया है तो इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये है हमारा पोटेंशियल, यहां पर है पोटेंशियल, यहां पर है आर। पहले हमने जो भी ड्रॉ किया है वो इस स्फीयर के बाहर का एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन से आप लिख सकते हो Vp इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये किसके लिए है? आउटसाइड के लिए है, यानी कि जब r किससे बड़ा है, r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो सपोज दैट, देखो आप सेंटर से बढ़ते जाओगे, अभी हमें अंदर का पोटेंशियल नहीं पता है, बट जैसे ही स्फीयर के बाहर निकलेंगे अब हमें पता है कि ग्राफ कैसा बनेगा, इसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो ग्राफ जो ड्रॉ होगा ना वो एक्चुअली कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। यहां पर हम देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल है इस प्रोपोर्शनल टू 1/r है। अब बात करते हैं इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। तो आपको याद है ना कि इनसाइड द हॉलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जब हमने गॉस थ्योरम को अप्लाई किया था, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होती ही नहीं है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। अगर आपको नहीं ध्यान आ रहा तो आप जाके उस वीडियो को देख लो, किसी भी हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। हमें वर्क डन कब करना पड़ रहा था? देखो जब बाहर खींच के ला रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर धक्का मार रही, हम इधर खींच रहे, तो वर्क डन हो रहा है ना, हमको जोर लगाना पड़ रहा, ठीक है, जोर लगा रहे, चार्ज को लाके रख रहे, हमें वर्क डन करना पड़ रहा है। बट अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं है तो आप देखो यहां पर सपोज दैट कोई चार्ज रखा है, तो यहां से यहां ले जाने में क्या आपको कोई वर्क डन करना पड़ेगा? आप सिर्फ ऐसे हल्का सा पुश कर दोगे, ऐसे चला जाएगा, क्योंकि अंदर अपोज करने के लिए कुछ है ही नहीं है। ये चीज समझ आ रही है ना? अंदर अपोज करने के लिए कुछ है ही नहीं है। यहां पर था, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी, आपको खींच के लाना पड़ रहा था, क्योंकि अगर आप इसको छोड़ दोगे तो ये इधर चली जाएगी। बट इनसाइड द स्फीयर यहां से यहां लाने में, यहां से यहां लाने में, यहां से यहां, कहीं पर भी स्फीयर के अंदर अगर आप प्लस वन कूलम के चार्ज को ले जाओगे तो आपको जीरो वर्क डन करना पड़ेगा, कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या इसका मतलब कि अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं जीरो होगा। तो कितना होगा सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? कितना होता सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, अगर इस फॉर्मूले का यूज करें तो यहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता 1/4πε0Q/r। यानी कि सरफेस तक लाके रखने में हमें इतना वर्गडन करना पड़ता, ठीक है, प्लस वन कूलम के चार्ज को इंफिनिटी से अगर सरफेस तक लेके आए हैं तो इतना वर्गडन हमें करना पड़ा। सरफेस के अंदर अगर आप चले गए, सरफेस के अंदर अगर आप घुस गए, तो फिर आप पूरे स्फीयर में अंदर ही अंदर आप कहीं पर भी जाओ आपको कोई वर्गडन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगेन फिर क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम कुछ यहां का पोटेंशियल निकालना हो, ठीक है, इनसाइड की बात कर रहे हैं, यानी यहां पर आप लिख लेना आर इज स्मॉलर देन कैपिटल आर, यानी कि अब की बार आर कहां है, यहां कहीं पर है, छोटा है, कैपिटल आर से छोटा है, तो हमें यहां पर लाना है। हम क्या करेंगे? पोटेंशियल की तो डेफिनेशन वही है कि इन्फिनिटी से प्लस वन कूलम के चार्ज को लेके हमें रखना है। तो देखो आप, ये है हमारा स्फीयर, दिखाई पड़ रहा ना? नहीं दिखाई पड़ रहा, थोड़ा जोर डालो, ठीक है। अब प्लस वन कूलम के चार्ज को हम लोग लेके आ रहे हैं, अभी तो हमें मेहनत करनी पड़ रही है ना, अभी मेहनत करनी पड़ रही, सरफेस तक लेके आए हमें कितना मेहनत करना पड़ा, 1/4πε0Q/r। जैसे ही अंदर चले गए तो हमें कोई मेहनत नहीं करना पड़ रहा, अब आप अंदर कहीं भी लेके जाके रखो, ठीक है। बट ओवरऑल इंफिनिटी से अंदर लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, इतना वर्क डन करना पड़ गया, ठीक है। तो हमारा अंदर हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 1/4πε0Q/r, हर जगह पे। ये चीज हमें समझ गई ना? सपोज दैट आप एक सिटी से दूसरे सिटी टहलने जा रहे हो, वहां पर आपके अंकल हैं, वो आपको वहां पर टहलाएंगे, आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना, बट आप अपनी सिटी से दूसरे सिटी तक जा रहे हो वो तो चार्ज लगेगा ही ना,
अगर आप 100 रुपए लगा रहे हो तो वो तो लगा, वहां पहुंचने के बाद आप कहीं भी घूमो आपका पैसा नहीं लग रहा, ठीक है, बट ओवरऑल वहां पहुंचने में इतना तो लग गया ना। सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। तो अंदर हर पॉइंट पे पूरे स्फीयर में आप कहीं भी जाओगे, अगर इनसाइड हो तो उसकी पोटेंशियल इतनी होगी और इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होगी 1/4πε0Q/r, ये है पोटेंशियल और आर का ग्राफ कि अगर आप यहां से बढ़ते हो तो ये तब तक कांस्टेंट रहता है जब तक कि r = R, उसके बाद ग्राफ हमारा इस तरीके से हो जाता है कि r बढ़ेगा पोटेंशियल घटता जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ग्राफ आप याद रखना, ठीक है, दोनों में डाउट नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा होता है देखो, आप हॉलो स्फीयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, ये मैंने बताया था, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के बाद स्टार्ट होती है और ऐसे जाती है, ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू होती है ये होती है 1/4πε0Q/r2। दोनों ग्राफ दिखने में एक जैसे हैं बट एग्जैक्टली सेम नहीं है, यहां पर जो E का वेरिएशन है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r2 है, ठीक है, तो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ हॉलो स्फीयर। चलो पोटेंशियल की हमने बहुत सारी बातें कर ली, अब बात करते हैं थोड़ी बहुत पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। पोटेंशियल तो हमने डाइपोल का भी निकाल लिया है, रिंग का भी निकाल लिया, एक्सिस पे भी निकाल लिया है और स्फीयर का भी। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल, हाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस। सो अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर अगर दो पॉइंट का पोटेंशियल आपको पता है तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें ऑलरेडी आता है। देखो कैसे, सपोज दैट इस पॉइंट का पोटेंशियल है, जो ये पॉइंट है हमारा ए, और इसका जो पोटेंशियल है वो है हमारा 20 वोल्ट। इस पॉइंट बी का पोटेंशियल है सपोज दैट 12 वोल्ट। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि वी ए माइनस वी बी क्या है, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, 20 - 12 यानी कि 8 वोल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछ ले वी बी माइनस वी ए क्या होगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ए 12 - 20 यानी कि -8 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि यहाँ से एक चीज़ हमें पता है कि अगर दो पॉइंट्स का पोटेंशियल आपको पता है तो फिर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहाँ पर पोटेंशियल नहीं पता होता, ठीक है। एग्जाम्पल से आप समझना, जैसे कि साथ से मैंने इस पर एक क्वेश्चन करवाया अभी था, मान लो कि ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो कुछ लिख के देते हैं, डायग्राम नहीं बनाएंगे अब की बार। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने दे दिया सपोज दैट 4i⁻ N/c, ठीक है। तो अब आप समझ जाओगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, 4i⁻ है, इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स एक्सिस के अलोंग है इधर, जिसकी वैल्यू है 4 N/c, ठीक है। अब चलो ये है हमारा वाई एक्सिस, दो पॉइंट्स ले लेते हैं, एक पॉइंट है ए जो कि यहां पर है, पॉइंट ए यहां पर है, ये वाली वैल्यू है सपोज दैट 8, दूसरा पॉइंट यहां पर है बी जिसकी वैल्यू है लेते हैं 20, ठीक है, दोनों मीटर में है, 8 मीटर 20 मीटर। आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ वी ए माइनस वी बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी इसका मतलब क्या है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस को हमने डिफाइन कैसे किया था, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट्स का होता है और वो वर्क डन +1 कूलम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन, यही होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहली चीज तो आती है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो हमें किस पॉइंट से किस पॉइंट तक ले जाना है, ए से बी ले जाना है या फिर बी से ए। तो एक चीज ध्यान रखना, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है वी ए माइनस वी बी, तो याद रखना हमें हमेशा इस तरीके से ले जाना है यानी कि बी से ए की तरफ। अगर वी बी माइनस वी ए दिया होता तो ए से बी की तरफ ले जाते। तो यहां पर हमको समझ आ गया कि यानी कि अब की बार रिज्यूम कर लेंगे कि चार्ज कहां रखा है, बी पे रखा है, ले कहां पर जाना है, ए पे लेके जाना है, ठीक है।
तो लेके जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कितनी है 4i न्यूटन पर कूलम, यानी कि x एक्सिस के अलोंग है 4। अच्छा प्लस 1 कूलम पे फोर्स कितना लगेगा, प्लस 1 कूलम पे मैंने बोला था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर e है वहां अगर q चार्ज लाके रख दिया जाए तो जो फोर्स लगता है वो q into e लगता है, ठीक है। अब प्लस 1 कूलम का चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 1 यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ही उस पर फोर्स लगेगा। सो हम ये चीज समझ पा रहे हैं कि ये जो प्लस 1 कूलम का चार्ज है इस पर फोर्स किधर लगेगा, चार्ज को इधर लेके आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगी वो इधर लगाएगी और उसकी वैल्यू कितनी होगी 4। बट हमें तो इधर लेके आना है ना, विदाउट डिसेलरेशन लेके आना है, तो किसी भी जगह पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। सिंपली समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर धक्का मार रही तो हम लोग उसको पकड़ के इधर लेके आएंगे ना, यानी कि हमारा फोर्स इधर होगा, कितना होगा 4। सो हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स से मतलब ही नहीं, हमें तो अपना वर्क डन निकालना है। सो आप ध्यान से देखो, हम लोग यहां से यहां लेके आ रहे हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, इधर है, हमारा फोर्स भी किधर है, इधर है। तो जो हमारा वर्क डन होगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट एस होता है। सो वर्क डन इक्वल टू एफ की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 4। डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, देखो आप 20 से 8 पे जा रहे हैं, ये अगर ये 20 है हमारा, ये 8 है, तो ये वाला सेपरेशन कितना हो जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें ये आ जाएगा 12, ठीक है, यानी कि 12 हम लोग इधर आ रहे हैं। एक चीज याद रखना, हम लोग माइनस में नहीं पुट कर रहे हैं, ठीक है, कि भले डायरेक्शन इधर है, हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड को देख रहे हैं कि फोर्स हमारा इधर है, कितना है 4 है, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा इधर है, कितना है 12 है, तो हम लोग सिंपली वर्क डन निकाल रहे हैं। सो एफ डॉट एस, एफ हो गया 4, डिस्प्लेसमेंट है 12, दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में है। सो वर्क डन कितना आ गया है 48 जूल पर कूलाम, पर कूलाम आप लगाना मत भूलना, क्योंकि एक कूलाम पे वर्क डन किया गया है, ठीक है। सो ये आ गया वर्क डन, और ये जो वर्क डन होगा वही क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। सो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 48 वोल्ट, ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। कुछ और बातें देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए तो फिर क्या होगा। देखो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन है उतना ही, कितना 4 ही है, बट उसका डायरेक्शन अब की बार है जे कैप, यानी कि मैंने लिख दिया 4 जे कैप न्यूटन पर कूलम। सबसे पहले बना लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, पैरेलल लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 4। अब की बार हम लोग फिर से बी से ए पे लेके आ रहे हैं, बी से ए पे लेके आ रहे हैं, यहां से यहां, अब की बार मैं डिस्टेंस नहीं लिख रहा, हमको पता है कि ये डिस्टेंस कितना था 12 था, 12 मीटर। फिर से आपसे पूछ लिया गया कि ए वी ए माइनस वी बी आप फाइंड करो, तो हमें पता है कि भाई वी ए माइनस वी बी बोला गया, यानी कि बी से हमें ए लेके आना है। अब यहां पर आप गौर करो कि अगर आप बी से ए लेके आओगे हमें क्या करना पड़ता है, अगेंस्ट का मतलब होता है कि उस पर नेट फोर्स जीरो लगे, ठीक है। सो अगर चार्ज को हम यहां पर फ्रीली छोड़ दें, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, चार्ज प्लस 1 है, ठीक है, प्लस में है, तो प्लस पे फोर्स किधर लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, माइनस का होता तो अपोजिट लगता, यहां पर है पॉइंट बी, यहां पर है पॉइंट ए। अगर आप इमेजिन करो कि मैं चार्ज को यहां पर रख के छोड़ दूं और ग्रेविटी ना लग रही, छोड़ दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको किधर लेके जाएगी, अपने डायरेक्शन में लेके जाएगी ना, अपने डायरेक्शन में लेके जाएगी। बट मुझे तो बी से ए लेके जाना है विदाउट एसेलरेशन, तो विदाउट एसेलरेशन का मतलब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अब इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर खींच रहा है तो मुझे इसको रोक के रखने के लिए किधर फोर्स लगाना पड़ेगा, नीचे लगाना पड़ेगा, कितना लगाना पड़ेगा, जितना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही थी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगा रही है 4 और मैं लगाऊंगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में 4, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे मैं पकड़ के चल रहा हूं, चार्ज की टेंडेंसी है ऊपर जाने की, मैं हाथ लगा के रखा हूं यानी कि मेरा फोर्स नीचे है, और हाथ लगा के ऐसे मैं इसको बी से ए लेके जा रहा हूं, ठीक है। सो एक्चुअल में जो मेरा फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है, कितना लग रहा है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही थी, यानी कि 4 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल
90 डिग्री। और ये चीज़ तो हमें क्लास नाइन्थ से पता है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो कोई वर्क डन नहीं होता है। अगर हमको वर्क डन निकालना हो तो सीधे लिखेंगे एफ डॉट एस, यानी कि वर्क डन इक्वल टू फोर्स है हमारा 4, डिस्प्लेसमेंट है हमारा 12, दोनों के बीच का एंगल कॉस 90, ये आ जाएगा हमारा वर्क डन इक्वल टू 12 फोर्स 48, लेकिन कॉस 90 का मतलब हो जाएगा इंटू 0, यानी कि नेट वर्क डन आ गया 0। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा 0, हमें कोई वर्क डन करना नहीं पड़ा तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा, पोटेंशियल ना बढ़ेगा ना घटेगा। एक पॉइंट यहां से ध्यान रखने वाली बात है कि अगर कभी भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करोगे, परपेंडिकुलर कभी भी मूव करोगे तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हो और इस जाने के दौरान आप परपेंडिकुलर मूव कर रहे हो तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कब आएगा? जब यहां का पोटेंशियल यहां से अलग होगा। ठीक है, तो जब आप परपेंडिकुलर मूव करोगे तो ना पोटेंशियल बढ़ेगा ना पोटेंशियल घटेगा। एक चीज और याद रखना कि जब कभी भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ऐसे है, अभी हमने देखा था जब ऐसे थी इलेक्ट्रिक फील्ड बी से ए आए थे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया था? कुछ भी आया था, प्लस में आया था, शायद से 48 आया था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, देखो आप इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ले जाने की टेंडेंसी रख रही है, मैं हाथ लगा के इधर लेके आ रहा हूं, यानी कि मेरा वर्क डन पॉजिटिव है, तो जब मैं इधर ला रहा हूं तो मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है, यानी कि पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। अगर यहां से मैं यहां ले जाने की कोशिश करूंगा तो फिर अब की बार क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से ही इधर ले जाना चाह रही बस, बट मैंने इसको पकड़ के रखा है, धीरे धीरे लेके जा रहा हूं, तो इधर ले जाऊंगा तो पोटेंशियल घटता जाएगा। तो सिंपली आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आप जाओगे तो पोटेंशियल घटता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आओगे आपका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ठीक है, जिस भी पॉइंट पे आप पहुंचते जाओगे, यहां का पोटेंशियल बढ़ गया, यहां और बढ़ गया, यहां और बढ़ गया। ठीक है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करोगे तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, आई थिंक आपको यहां तक समझ आ गया होगा। चलो हम क्वेश्चंस के टफनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करके देखते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब की बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैंने दे दिया है 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इसे विजुलाइज करने की कोशिश करो तो कैसे, 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2 माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कहीं पर है। दो पॉइंट्स हैं जिनका पोजीशन वेक्टर मैं लिख दे रहा, देखो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये हमारी जेड एक्सिस, एक पॉइंट यहां कहीं पर है ए जिसका पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर को आर ए से डिनोट कर रहे हैं, मान लिया हमने 5i कैप प्लस 8j कैप प्लस 2 या फिर प्लस 4k कैप, ये है हमारी ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। पॉइंट बी यहां कहीं पर है और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है 12i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। इससे पहले जो भी हमने न्यूमेरिकल्स किए उसमें मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दो पॉइंट्स हैं और बताओ वी ए माइनस वी बी कितना होगा, तो हमें सिंपली बी से ए लाना था अपोजिट डायरेक्शन में, फिर हमने परपेंडिकुलर वाला देखा था। यहां पर क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कहीं पर है और अब की बार आपसे पूछा जा रहा है वी ए माइनस वी बी, तो फिर से आपको पॉइंट कहां से, जो चार्ज है प्लस वन कूलम का, उसे कहां से कहां ले जाना है, बी से ए पे ले जाना है। ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट इधर कहीं होगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर कहीं पर लग रही है, दोनों के बीच में कितना एंगल है हमें कोई भी आइडिया नहीं है। ठीक है, तो अब ऐसे केस में किस तरीके से निकालेंगे, चलो वी ए माइनस वी बी हमको निकालना है, कई बार इसको सिंपली वी लिख देते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो पहली चीज क्या है जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं वहां से सीखते हैं, जब मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है, ये था हमारा ए पॉइंट, ये था हमारा बी पॉइंट, मैंने वी ए माइनस वी बी बोला था, मैंने बोला था कि इधर लेके आओ, और नेट फोर्स प्लस वन कूलम पे कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, मैंने बोला था एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए।
अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो हमारा फोर्स अपोजिट होगा, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा ना, प्लस वन कूलम के चार्ज पे E इधर लग रहा है, हमारा फोर्स अपोजिट लगेगा तभी नेट फोर्स जीरो होगा। यानी यहां से एक बात तो समझ आती है कि जो हमारा फोर्स होगा चार्ज पार्टिकल को मूव करवाने के दौरान वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है, ठीक है, उतना ही होता है बट अपोजिट होता है। अब यहां से जो वेक्टर की नॉलेज थी हमारे पास, मैंने उसमें बोला था कि किसी भी वेक्टर को अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहता है बट डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सो स्पेस में कहीं पर मान लो ये है ई, आपको इतना ही फोर्स इधर लगाना है, तो जो इधर वाला वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, माइनस ई, ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो यानी कि एक्सटर्नल फोर्स जो लगेगा वो हमेशा माइनस वेक्टर ई होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ही होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमें पता चल गई ये बात कि यहां से प्लस वन कूलम के चार्ज को यहां से यहां लेके जा रहे हैं, हमारा फोर्स जो भी होगा वो कितना होगा, मान लिया इधर लग रहा है, कितना होगा, माइनस वेक्टर ई। अगर हमको ये डिस्प्लेसमेंट भी पता चल जाए तो फिर हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं। कैसे, वर्क डन का सीधा सीधा फॉर्मूला है एफ डॉट एस, एफ तो हमें पता चल गया है माइनस ई है, डॉट एस यानी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा आर से। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब चार्ज को कहां से कहां लेके जा रहे हैं, चार्ज को बी से ए पे लेके जा रहे हैं, यानी इनिशियल बी है फाइनल ए है, तो ये डेल्टा कैसे निकलेगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। अब अगर आप सब्ट्रैक्ट करो आर ए माइनस आर बी, सो आई में से आई का कॉफिशियंट सब्ट्रैक्ट होगा, जे में से जे और के में से के, सो 5 माइनस 12 ये आ जाएगा माइनस 7 आई कैप, 8 माइनस 3 यानी हो जाएगा प्लस 5 जे कैप, और 4 माइनस माइनस 2, सो दो बार माइनस आ गया यानी कि प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 प्लस 2 6 के कैप। ये क्या निकला है, ये निकला है हमारा डेल्टा आर, ठीक है, माइनस 7 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। तो अब हमारे पास सारी डिटेल्स हैं कि हमारा फोर्स किधर लग रहा है, माइनस ई लग रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल बट अपोजिट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है ये भी हमें पता चल गया। तो जो वर्क डन होगा वही तो होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, जो हमें एक कूलम के चार्ज को वर्क डन करवाना पड़ रहा। सो ये है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जिसको मैंने सिंपली वी से रिप्रेजेंट कर दिया है, आप इसको वी ए माइनस वी बी भी लिख सकते हो। ये कितना आएगा, हमारा हमारे वर्क डन के बराबर आएगा, और हमारा वर्क डन कितना था, माइनस ई, ये तो हमारा फोर्स था माइनस ई, और डिस्प्लेसमेंट कितना था, हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया डेल्टा आर। मैं इस फॉर्म में क्यों लिख रहा हूं, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगला जो लेक्चर होगा वो पूरे का पूरा कंप्लीटली इसी पे डिपेंडेंट होगा, ठीक है, इसी इक्वेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना सीखेंगे। सो v इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, माइनस ई हमारा फोर्स है, डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट है, सो ये निकल आया वर्क डन, और जो वर्क डन होता है वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर आप वी ए माइनस वी बी भी लिख सकते हो, ठीक है, अब ये चीज समझ आ गई, चलो सॉल्व करते हैं अब इसे हम लोग। सो v माइनस को आप ऐसे ही रहने दो, ई कितना है हमारा, 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, डॉट डेल्टा आर कितना है, डेल्टा आर है हमारा माइनस 7 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप, ठीक है। सो वी इक्वल टू माइनस को ऐसे ही रहने देंगे, 4 7 28 और प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, माइनस 3 इंटू प्लस 5 यानी कि माइनस 15 और 2 इंटू 6 यानी कि प्लस 12। यहां से हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस लगेगा और माइनस 31। सो माइनस 31 जो हमारा आया है इसी के आगे जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे सो एक माइनस और लगा है यानी कि 31 वोल्ट, ठीक है। तो ये चीज हम समझ गए कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 31 वोल्ट, यानी कि बी के पोटेंशियल से
ए का पोटेंशियल ज्यादा है कितना 31। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसमें ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगला पूरा लेक्चर इसी में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।